तो गाइज़, किरण बुक के शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आपका जो किरण बुक शो है वो है कॉमन एरर का। किसका बच्चों? कॉमन एरर का हम लोग आपको करा रहे हैं सॉल्यूशन फ्रॉम किरण बुक, जहां पर मैं आपको 380 सेंटेंस तक सोल्व करवा चुका हूं। आज जो बारी है वो है सेंटेंस नंबर 381 से, जिसको हमने नाम दिया है डे 17। यस गाइस, चलिए, जिस बच्चों को भी इस बुक का पीडीएफ चाहिए जिससे मैं करा रहा हूँ, वो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें या फिर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैं आपको व्हाट्सअप मैसेज के माध्यम से इस वीडियो का, इस बुक का पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप लोग मेरे साथ साथ मैचिंग करते रहें। ज़रा भी ये बात अपने मन में ना लाएं कि ये तो ओल्ड बुक से है, ये बुक हमारे पास नहीं है, मैं कैसे करूँ, मेरे सेंटेंस मैच नहीं हो रहे हैं। बच्चों, 4-5 सेंटेंस ही मैच नहीं होते हैं, उसके बाद सारे सेंटेंस मैच ही होने हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने वो 4-5 सेंटेंस नहीं करे तो आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा, क्योंकि बच्चों आपका काम रूल्स से है, उन सेंटेंसेस को रटने से नहीं। इस गाइस, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके सेंटेंसेस मेरे सेंटेंसेस मैच ना हो रहे, तो बिल्कुल भी हताश ना हो, मुझसे इस बुक का पीडीएफ ले लें। इसके भी 1000+ सेंटेंस इसके अंदर हैं बच्चों, ये भी कम नहीं है, 1200-1300 सेंटेंस बहुत होते हैं बच्चों प्रिपरेशन के लिए, तो यहाँ पर ये काफ़ी हैं आपके लिए, इनफ है, मैं तो ये कहूँगा। तो बिल्कुल भी इस बात को लेकर के मन में संशय ना पालें, कंटिन्यू तैयारी करते रहें और अपना आगे आगे मार्गदर्शन करते रहें खुद से खुद। इस गाइस, तो फिलहाल यहाँ मैं आज बात करूँगा आपसे 381 सेंटेंस से आगे की, जिसमें हम लोग आपको आज सोल्व कराएंगे बहुत सारे सेंटेंस। जैसे कि आपको पता ही है कि आज संडे है, समय है हमारे पास भी, आपके पास भी समय है, तो बढ़ते हैं बच्चों फटाफट से अपने आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपका 381। यस गाइस, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। और हाँ, साथ ही साथ एक बात और बच्चों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो पर लाइक दबा के मार दीजिएगा बच्चों। मेरा टारगेट है इस वीडियो पे 100+ लाइक का, देखता हूँ कि आज मेरा टारगेट कंप्लीट होता है या नहीं। तो कम से कम 100+ लाइक आपको पहुँचाने हैं, ये आपका काम है। कैसे करवाना है काम को? अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ये टारगेट आपका है। बस आपने मुझे टारगेट दिया बुक फिनिश करने का, वो मैं पूरा कर रहा हूँ। मैंने आपको आज टारगेट दे दिया है, ये आपको पूरा करना है। क्या कह रहा है बच्चों सेंटेंस नंबर पहला आज का? कह रहा है कि आई हैड अ टेस्ट इन मैथमेटिक्स टुडे मॉर्निंग। तो गाइज, यहाँ पर सेंटेंस में उसने कहा आई हैड अ टेस्ट इन मैथमेटिक्स, यहाँ पर सेंटेंस में आई हैड अ टेस्ट इन मैथमेटिक्स नहीं, आई हैड अ टेस्ट ऑन मैथमेटिक्स। इस गाइज, यहाँ पर आपको जब किसी सब्जेक्ट के विषय में बात करनी हो, किसी बुक वगैरह के विषय में, तो हम लोग बात क्या करते हैं? ऑन लगा करके। क्या लगा करके? ऑन लगा करके। तो टेस्ट इन मैथमेटिक्स कहना यहाँ पे रॉन्ग होगा। सेंटेंस में आप टेस्ट इन की जगह टेस्ट ऑन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सेंटेंस में आपके फिलहाल अगर देखा जाए तो सेकंड पार्ट में है मिस्टेक। चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 382 पर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अ गर्ल मस्ट बी ग्रेसियस इफ शी विशेस टू बी अ बैलेरीना। तो गाइज, यहाँ पे बैलेरीना एक बहुत ही खूबसूरत लड़की कह लीजिए, डॉल कह लीजिए, से संबंधित है, उसी के बराबर तुलना की गई है किसी भी लड़की की। कह रहा है कि अ गर्ल मस्ट बी ग्रेसियस, जो कि ठीक है अभी तक तो, इफ शी विशेस टू बी बैलेरीना, यानी कि सेंटेंस आपका पूरी तरह से करेक्ट ही है। इसको हम कहेंगे नो एरर, यानी कि कुल मिलाकर के इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा 4th। इन अ वेरी हार्श टोन ही शाउटेड एट हिज सर्वेंट एंड टोल्ड देम दैट ही डज नॉट नीड देयर सर्विसेज। सो गाइस, यहाँ पे सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो फुल्ली सेंटेंस हमारा चल रहा है पास्ट में। किसमें चल रहा है सेंटेंस हमारा? पास्ट में सेंटेंस चल रहा है, जहाँ पर उसने शाउटेड सेकेंड फॉर्म लगाई, उसके बाद में टोल्ड सेकेंड फॉर्म लगाई, लेकिन आगे आने वाले पार्ट में उसने डज नॉट का इस्तेमाल किया, जो कि रॉन्ग है गाइस। डज नॉट नहीं, यहाँ पर आपका डिड नॉट होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होता, यानी कि फिलहाल इस सेंटेंस के 3rd पार्ट में है आपके एरर। यस गाइस, 3rd पार्ट में डज नॉट की जगह आपको डिड नॉट का इस्तेमाल करना होगा, तब सेंटेंस करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 384 पर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि द कमेटी इज थिंकिंग नॉट टू ब्रिंग अराउंड एनी चेंजेस इन द बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे बच्चों कह रहा है कि द कमेटी इज थिंकिंग नॉट टू ब्रिंग अराउंड ब्रिंग अबाउट। इस बाइस ब्रिंग अराउंड नहीं,
ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अराउंड मतलब टू टेक अ सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन, किसी चीज़ का कोई एक्शन क्रिया वगैरह कुछ लेना, लेकिन यहाँ पर आपका होगा ब्रिंग अबाउट जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, किसी चीज़ के होने का कारण होना। तो गाइस यहाँ पर अराउंड की जगह आपको लगाना होगा अबाउट। हालांकि अगर मैं बात करूँ प्रपोजिशन में तो इन दोनों के लगभग अंदर मीनिंग सेम ही हैं, अराउंड और अबाउट के, बस अराउंड के अंदर आपका मोर देन का भाव भी होता है लेकिन अबाउट में आपका मोर देन का भाव नहीं होता है। चलिए, कह रहा है कि द चीफ मिनिस्टर हैड नो टाइम टू पे अटेंशन ऑन सच सिंपल मैटर्स। सो गाइस यहाँ पे 385 सेंटेंस में आपको बताना है कि क्या पार्ट रहेगा आपका मिस्टेक। कह रहा है कि द चीफ मिनिस्टर हैड नो टाइम, अभी तक तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, उसने कहा हैड नो टाइम। देखिए नो और नोट में अंतर समझिए आप पहले, तो क्या है नो आपका एक एडजेक्टिव है, क्या आपका नो एक एडजेक्टिव, जबकि नोट आपका एक एडवर्ब है, क्या आपका एक एडवर्ब। नो हमेशा नाउन से पहले आया करता है और नोट हमेशा वर्ब से पहले, नोट हमेशा वर्ब से पहले। इस गाइस तो यहाँ पर उसने इसलिए नो का इस्तेमाल किया नोट नोट का, द चीफ मिनिस्टर हैड नोट टाइम करता तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाता, यानी कि फिलहाल यहाँ पर ये ठीक है। अगर आपको यहाँ पर ये पूरा वीडियो देखना है नो नोट नेवर में डिफरेंस, तो यहाँ पर आप लोग जाइएगा यूट्यूब पर नो नोट नेवर बाय सौरभ जैन सर डालिएगा, आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। बस सौरभ जैन सर का स्पेल यहाँ पर सही रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कई लोग बच्चे गलती करते हैं फिर उनको सर्चिंग में दिक्कत होती है। SAURAV, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा SAURAV, बाकी जैन वैन तो आप अपना आप सही डाल ही लेंगे, सौरभ जैन सर, या फिर नो नोट नेवर बाय इंग्लिश अड्डा डाल दीजिएगा, शायद तब भी वीडियो निकल कर आ जाए। सौरभ जैन सर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले चैनल का नाम हमारे सौरभ जैन सर ही था, बाद में मैंने इसका नाम चेंज किया इंग्लिश अड्डा, इसलिए ज़्यादातर लोगों को सर्चिंग आराम से मिल जाती है सौरभ जैन सर के नाम से। चलिए, द चीफ मिनिस्टर हैड नो टाइम टू पे अटेंशन ऑन सच सिंपल मैटर्स। तो यहाँ पे बच्चों ऑन सच सिंपल मैटर्स जो कह रहा है वो वहाँ पे मुझे यहाँ पे गड़बड़ी नजर आ रही है, तो यहाँ पे ऑन की जगह टू आपका होना चाहिए था तो सेंटेंस करेक्ट रहता, क्योंकि अटेंशन के साथ में हमेशा टू आपका फिक्स्ड प्रपोजिशन चलता है। बच्चों साथ में आप लोग मीनिंग पे ना जाइए, अपनी अकल लगाइए, दिमाग की बत्ती जलाइए, मिंटोस खाइए। चलिए जी, सेंटेंस नंबर 386 कह रहा है इट वॉज फॉर्चुनेट ऑल ऑफ द इनमेट्स एस्केप फ्रॉम द ब्लेजिंग फायर। तो यहाँ पे गाइस सेंटेंस में बतानी है किस पार्ट में मिस्टेक। पहली बात तो ये कि सेंटेंस पहला वाला इसका बिल्कुल ठीक है, ऑल ऑफ द इनमेट एस्केप्ड, यहाँ पर जो उसने ऑल ऑफ द इनमेट कहा है, यहाँ पे ऑल द इनमेट्स होता तो भी ठीक ही था, ऑफ की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल द इनमेट्स एस्केप, ऑफ यहाँ पर आपका अननेसेसरी लगा हुआ है, इसे आपको यहाँ से हटाना होगा। तो गाइज सेंटेंस के सेकंड पार्ट में फिलहाल हो गई है आपके एरर। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट। गाइज यहाँ पर सेंटेंस में उसने शुरुआत में ही दे दी हैं दो जीरण, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, हालांकि इनका एक कंबाइंड में निकलता है। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग का मतलब शराब पीकर गाड़ी चलाना। तो गाइज यहाँ पे ये कंप्लीट सेंस के साथ में आपको मीनिंग दे रही हैं ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, यस। तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन ग्रामर के अंदर अपना एक रूल भी है बच्चों, मैं आपको बता दूँ कि जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजिशन पर, जब कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजिशन पर आपका कोई जीरण लगा हो, क्या लगा हो, कोई जीरण, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजिशन पर कोई भी जीरण लगा हो तो हमेशा उसके साथ में सिंगुलर वर्ब ही आएगी, चाहे जीरण आपके एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, जितने मर्जी हो। जैसे कि एक सेंटेंस मेरे पास याद आ रहा है, कह रहा है कि मेकिंग पाइज एंड केक्स। तो नॉर्मली यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, मेकिंग पाइज एंड केक्स सोचते हैं कि एंड से दोनों जुड़े हैं पाइज और केक्स, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी इज माई फेवरेट हॉबी, मेकिंग पाइज एंड केक इज माई फेवरेट हॉबी, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पे मेकिंग है, क्या है आपका यहाँ पे मेकिंग, यानी कि जीरण है। तो जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा आपका जीरण, क्या होगा, जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा आपका जीरण, आपको लगानी है हमेशा सिंगुलर वर्ब ही, वही आपका यहाँ पे भी होना है।
ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर नहीं, आपको यहां पे इज का इस्तेमाल करना होगा, तो सेंटेंस हमारा होगा करेक्ट, यानी कि सेंटेंस के बी पार्ट में हो जाएगी एरर, यानी कि सेकंड पार्ट में फिलहाल इसके हो जाएगी आपके एरर। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं सेंटेंस नंबर 388 पर। कह रहा है कि दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम एंड देयर इज नो प्लेस इनसाइड, तो वो गेट पर खड़े हुए हैं ऑडिटोरियम के क्योंकि अंदर जगह नहीं है। तो दे आर स्टैंडिंग एट द गेट, गेट से पहले एट का इस्तेमाल किया बिल्कुल ठीक है, ऑफ द ऑडिटोरियम एंड देयर इज नो प्लेस इनसाइड। तो गाइस यहां पे मैंने कहा है जब किसी बंद कमरे के अंदर भी जगह की बात की जाए तो हम लोग ऐसे में प्लेस का नहीं रूम का इस्तेमाल करते हैं। रूम के दो मीनिंग होते हैं बच्चों, रूम माने जगह भी, रूम माने कमरा भी। लाइक मैं कहने लगूँ कि इस समय मेरे कोचिंग में बच्चों की जगह नहीं है और बच्चों के आने की, तो देर इज़ नो रूम इन माई कोचिंग एट दिस टाइम। सो गाइस यहाँ पे रूम का इस्तेमाल होना चाहिए था सेंटेंस में, थर्ड पार्ट में आपके एरर है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हेयर। अब गाइस यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको टाइम एंड टेंस पढ़ाया था अपने ग्रामर कोर्स के दौरान, देखिए जिन लोगों ने मेरा ग्रामर कोर्स लिया है और वो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये बात पता होगी, जिन लोगों ने ग्रामर कोर्स नहीं लिया है और इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं ये बात बता देता हूँ, बिल्कुल बेफिक्र रहे। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप कोई भी आप में से ग्रामर कोर्स लेना चाह रहे हैं हमारे द्वारा कराया हुआ, तो फुल कोर्स जो है हमारा वो 599 रुपीज़ का है, जिसमें आपको कंप्लीट ग्रामर फ्रॉम आर्टिकल टू लास्ट चैप्टर तक, प्रपोजिशन तक। उसके बाद में गाइस हमने यहाँ पे 5 बुक से कराई है आपको प्रैक्टिस भी। पहली बुक है आपकी यही जो नोट ये है बच्चों, पैरामाउंट की या केडी में से कोई भी एक की। दूसरी बुक है आपकी मिरर ऑफ कॉमन एरर। तीसरी बुक है आपकी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव। चौथी बुक है हमारी एसपी बक्सी। पांचवी बुक है हमारी क्रिस्टोफर फोनिस्टर की। 5 बुक से हम लोगों ने कराई है प्रैक्टिस। उसके बाद में जैसा चैप्टर हमने पढ़ाया डिट्टो उसके नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, चाहे वो आर्टिकल हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो। उसके बाद में बच्चों हमने आपके लिए टेस्ट तैयार भी किया है, एक टेस्ट आपके लिए भी तैयार किया है जिसको आप लोगों को देना होता है, और फिर नया चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। तो ये पूरा कोर्स सारी वीडियोस आपको 599 में मिल जाएंगी, जिसको चाहिए वो लोग मुझे बता सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर 8279738238 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और ये कोर्स ले सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे आज के बाद शुरू करें। देखिए हैविंग जो है आपकी एक प्रेजेंट की वर्ब है, हैव की फैमिली की वर्ब है। हैविंग को वाक्य में लगाने के दो तरीके हैं, एक तो वाक्य के बीच में और एक वाक्य के सुर में। यहाँ पर ये वाक्य के बीच में आया हुआ है, वाक्य के बीच में जब यह आएगा ऐसे में इसका मतलब होगा हैविंग का मतलब हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप इसे हैव की आईएनजी फॉर्म समझें, जैसे कि आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूँ, शी इज़ प्लेइंग, वह क्रिकेट खेल रही है, ऐसे यहाँ पे हैविंग का मतलब हो रहा है से है, ये आपकी हैव की आईएनजी फॉर्म है। तो ऐसे में जब सेंटेंस बनता है, मैंने कहा आई एम हैविंग अ हेडेक, मुझे सिर दर्द हो रहा है। आई एम हैविंग अ हेडेक, मुझे सिर दर्द हो रहा है। आई एम हैविंग अ बैकएक, मुझे पीठ दर्द हो रहा है। अब आप ये कहने लगे कि आई एम हैविंग मैनी फ्रेंड्स, तो ये आप सोचिए जरा क्या सेंस बन के आ रही है, जरा इसका हिंदी मीनिंग आप खुद निकाल के देखिए। आई एम हैविंग मैनी फ्रेंड्स, मेरे कई सारे दोस्त हो रहे हैं, क्या ये मीनिंग सही है? जी नहीं। ऐसी स्थिति में सेंटेंस आपका रॉन्ग ही है, आपको यहाँ लगाना हो सिर्फ और सिर्फ सिंपल फर्स्ट फॉर्म, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे कई सारे दोस्त हैं। इस गाइस तो यहाँ भी उसने ये गड़बड़ी करी, ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हेयर, तो ही इज हैविंग नहीं, ही हैज मैनी फ्रेंड्स हेयर। लेकिन गाइस यहाँ पर एक बड़ी मुसीबत ये हो जाएगी कि सेंटेंस में अगर मैं हैज़ लगाता हूँ तो दो पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी, पहले में भी और दूसरे में भी, बिकॉज यहाँ से इज हटाना होगा तब हैज़ लगेगा और फिर हैविंग भी हटाना होगा, ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स हेयर। तो ये तो आपका दो पार्ट में एरर हो जाएगी, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। तो ये भी मुसीबत है कि आप यहाँ पे हैज़ नहीं लगा सकते। अब करना क्या है, ही इज़ मेकिंग कर लीजिए, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ही इज़ मेकिंग मैनी फ्रेंड्स हेयर, वो आजकल यहाँ पे कई सारे दोस्त बना रहा है, तब भी आपका सेंटेंस हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगर ये आपका स्लैश यहाँ ना होकर के यहाँ होता तब मैं इसको पूरे को हैज़ कर देता और सेंटेंस ठीक हो जाता, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे मेकिंग का इस्तेमाल करना होगा। यस गाइस चलिए फिलहाल चलते हैं आपके नेक्स्ट सेंटेंस पर, सेंटेंस नंबर 390 पर। कह रहा है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन पर्सन। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कहीं भी अभी तक आया ही नहीं है, अगर आप गौर कर रहे हो तो। तो गाइस पहले ही पार्ट में आपको योगी है मिस्टेक, सेंटेंस में कहीं पर भी सब्जेक्ट नहीं आया है। और अगर मैं ये सोच लूँ, आप भी सोच सकते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत जीरण से हुई है तो कोई बुराई नहीं, सोच सकते हैं, सोचने में कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन अगर सेंटेंस की शुरुआत हुई है एज ए जीरण लुकिंग से, तो ऐसे में इसका मतलब ये हुआ कि लुकिंग आपका एक सब्जेक्ट है, और लुकिंग अगर आपका सब्जेक्ट है तो फिर इसके लिए वर्ब कहाँ है,
सेंटेंस में आपको अब वर्ब ढूंढनी है। अब चलो वर्ब ढूंढते हैं। लुकिंग आपका सब्जेक्ट हो गया, फॉरवर्ड आपका वर्ब नहीं है, टू के बाद वाले को कुछ नहीं मानते, यू आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इन पर्सन भी आपका प्रीपोजिशन के बाद वाला है, सेंटेंस में वर्ब ही गायब है। और बच्चों मैंने आपको फ्रॉम डे वन से लेकर आज तक ये बात बार बार बताई है कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस, बच्चों दुनिया का कोई भी सेंटेंस कभी भी बिना वर्ब के बन ही नहीं सकता, आप सोच ही नहीं सकते बच्चों। तो यहाँ पर सेंटेंस में वर्ब ही नहीं है। अगर बात करें सेंटेंस की, अगर मैं लुकिंग से शुरू भी कर दूँ तो आपको यहाँ पर लुकिंग को ही वर्ब बनाना होगा। आपको सेंटेंस के शुरुआत में आई एम लुकिंग फॉरवर्ड लगाना होगा, सब्जेक्ट भी आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगी और मेन वर्ब भी आ जाएगी, सेंटेंस आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इसका फर्स्ट पार्ट ही है आपका फिलहाल रॉन्ग। चलिए चलते हैं आगे अपने सेंटेंस नंबर 391 पर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि गैलीलियो प्रूव। तो बच्चों यहाँ पे समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लाइक करके जाइएगा वीडियो को बच्चों, इतना ज़्यादा आप लोग लापरवाही मत क्या करें। मैं आपको यहाँ पे समय दे रहा हूँ बीच में लाइक करने का, कुछ नहीं करना है आपको, जाना है लाइक बटन में जाकर टच करना है, बस बात ख़त्म, लाइक हो जाएगी वीडियो, क्योंकि मैंने इस वीडियो का टारगेट रखा है 100+ लाइक का। और आपको अगर वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आपको एक घंटी दिखाई दे रही होगी, उस घंटी को भी दबा दीजिएगा, आगमन कीजिएगा। सब कुछ फ्री होता है बच्चों, बिल्कुल कॉस्ट नहीं लगती है इसकी, कहीं आप सोच लो कि पैसे लगते हैं इसके, ये सब कुछ फ्री है, आपको सुविधा मिली हुई है मुकेश अंबानी जी की तरफ से। गैलीलियो प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। बच्चों ये बात सत्य है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये बात आपको ही पता है। तो गाइज ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ पर आधारित एक सेंटेंस है जिसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। ये सेंटेंस फिलहाल आपका हुआ नो एरर, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। गाइज चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 392 पर। कह रहे हैं कि आई वॉन्ट दैट यू शुड परफॉर्म वेल। मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छा परफॉर्म करो। तो गाइज यहाँ पर वॉन्ट नहीं, सेंटेंस में आई विश क्या होना चाहिए था? आई विश, मेरी इच्छा है कि तुम अच्छा परफॉर्म करो, या फिर आप कह सकते हैं कि आई होप, मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छा परफॉर्म करो। तो गाइज यहाँ पर कुल मिला के बात यह है कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में मिस्टेक है। यस गाइज I wish that you should come back to India. I hope that you will come back in India. इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। The servant hanged the lamp on the wall. So guys यहाँ पे सेंटेंस में ये गलती एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं हजार बार आ चुकी है। मुझे तो लगता है कि सेंटेंस अब एग्जाम में आएगा ही नहीं, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता चल चुका होगा कि ये भाई 16 जन के बच्चे हैं, इन्होंने बहुत बार इस सेंटेंस को पढ़ लिया है, इस सेंटेंस को देना बेकार है। गाइस यहाँ पे क्या मिस्टेक है? हैंग आपका एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को लटकाना या टांगना। जब इसके सेकंड फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं तो इसके दो सेकंड फॉर्म निकल के आती हैं, वो है पहली हैंग्ड और दूसरी है हंग। क्या है? हंग। ये आपकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है और ये भी आपके सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ही है, लेकिन यहाँ पे शब्द मीनिंग बिल्कुल बदल जाएंगे। इस वाले हैंग का मतलब है किसी को फांसी पर लटकाना, और इस वाले हैंग का हंग का मतलब है किसी कपड़े को, पोस्टर को, सीनरी को दीवार वगैरह पर लटकाना। तो यहाँ पर सेंटेंस में द सर्वेंट हैंग्ड द लैम्प, लैम्प के लिए हैंग्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, अच्छा होगा यहाँ पे हंग का इस्तेमाल करें तो सेंटेंस होगा आपका करेक्ट, यानी कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो गई है आपके मिस्टेक। सो गाइस बस इसी तरह से आप लोग तैयारी करें। अगर आप इस तरह से तैयारी करते रहे तो मुझे लगता है कि खुद भगवान इंद्रदेव भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकते। बहुत अच्छी मेहनत करें, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक है। कमर कस लें, कमर कसले से मतलब ये नहीं कि आप बाज़ार से रस्सी ले आए और कमर कस के बैठे हैं अभी, यस, और शाम तक आपका खून का दौरा रुक जाए, कमर कसने वाले बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करनी है बच्चों, बुरा मीनिंग समझ लिया करो भाई। तो यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। कह रहा है कि सेंटेंस नंबर 394, कह रहा है कि इन द बैक साइड ऑफ अवर हाउस, इन द बैक साइड ऑफ अवर हाउस वी हैव अ रॉक गार्डन, वी हैव अ रॉक गार्डन। गाइस बात तो बड़े मजे की आई है सेंटेंस में अगर देखा जाए तो। ये सेंटेंस आज मैंने बहुत दिनों बाद देखा है। देखिए यहाँ मैं लगातार कई सारी बुक्स आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो शायद ऐसा कोई सेंटेंस मेरी निगाह से बचा हो, और यही मैं आपसे भी चाह रहा हूँ। देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे कितनी अच्छी इंग्लिश आती है या मैं कितने अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपने कितना सीखा। यस गाइस तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये सेंटेंस परफेक्ट की बुक से नाउन में जब आप जाएंगे तो छठे या सातवें नंबर का सेट है, एक नाउन की प्रैक्टिस सेट में आपका। तो यहाँ पे देयर इज़ अ लैम्प ऑन द फ्रंट साइड, कुछ इस तरह का सेंटेंस है, वो आप जाके चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फ्रंट और बैक, फ्रंट
बैक, बच्चों फ्रंट की स्पेलिंग गलत होगी, ओ आएगा, फ्रंट बैक लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, ये आपके चार ही है आपकी भुजाएं, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट। देखिए फ्रंट और बैक के साथ में कभी साइड इस्तेमाल नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फ्रंट आपका फ्रंट ही रहेगा, आप जिस भी दिशा में खड़ो वो आपका फ्रंट ही रहेगा, और बैक आपका बैक ही रहेगा, जिस भी दिशा में आप खड़ो आपका बैक ही रहेगा, लेकिन आपका लेफ्ट और राइट बदल जाते हैं। अगर आप मेरे सामने खड़े हों तो आपको पता चलेगा, जब आप शीशे के सामने खड़े हो तब आपको पता चलेगा आपका राइट सामने वाले का लेफ्ट होता है और आपका लेफ्ट सामने वाले का राइट होता है, लेकिन फ्रंट और बैक आपके चेंज नहीं होंगे, इसलिए फ्रंट और बैक के साथ कभी साइड का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन लेफ्ट और राइट के साथ हमेशा साइड का इस्तेमाल होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड बट नॉट फ्रंट साइड बैक साइड। तो यहाँ सेंटेंस में मिस्टेक तो शानदार है, इस तरह के सेंटेंसेस अगर एग्जाम में आ जाएं तो डेफिनेटली कन्फ्यूज होंगे बच्चे, ये मुझे लगता है। ये एक अच्छे संकेत हैं आपके लिए कि आप लोग एक अच्छी तैयारी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं किरण बुक से। मैं आपको फिर से बताता चलूँ, जिन लोगों के पास में इस बुक का पीडीएफ नहीं है जिससे मैं स्टेम पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे बैठा हुआ, वो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर 8279738238 पर मैसेज करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं, मेरे साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। इस बात का मलाल बिल्कुल मन में ना लें कि मेरी बुक तो पुराने वाली है, मेरे सेंटेंस मैच नहीं हो रहे हैं, मैं नई बुक लिया मेरे सेंटेंस मैच नहीं हो रहे हैं, ये सिर्फ बहाने हैं बच्चों, और बहानों से काम नहीं चलता है यस बच्चों, क्योंकि धीरे धीरे एग्जाम नज़दीक आ जाएगा, विद इन वन मंथ आपका एग्जाम आपके सामने होगा, आप बहाने मारते रहिएगा और कुछ नहीं होगा। तो क्या यहाँ पे सेंटेंस के पहले ही पार्ट में फिलहाल मिस्टेक, आस्क हर टू कॉल मी व्हेन शी विल कम बैक, उसको कहिए कि वो कॉल करे जब वो वापस आ जाए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आस्क हर टू कॉल मी व्हेन शी विल कम बैक। तो यहाँ सेंटेंस में थर्ड पार्ट में अगर चलूँ तो यहाँ सेंटेंस में मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, वो है विल कम बैक, जिसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, सेंटेंस को यहाँ पे फ्यूचर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंटेंस ये कोई कंडीशनल नहीं है। यस गाइस, तो यहाँ पे विल कम की जगह अच्छा होगा ओनली सिर्फ आप कम्स बैक का इस्तेमाल कर दें, तो सेंटेंस करेक्ट होगा, सेंटेंस का थर्ड पार्ट हो जाएगा फिलहाल यहाँ पे एरर। अगला सेंटेंस कह रहा है कि द क्यूरेटर टोल्ड अस दैट द म्यूजियम वॉज नॉट ओपनड टू द पब्लिक ऑन संडे। तो गाइस यहाँ पे 396 में कह रहा है कि द ऑथर टोल्ड अस दैट द म्यूजियम वॉज नॉट ओपन, तो गए यहाँ पे कह रहा है कि टू द पब्लिक ऑन संडे, उसने कहा है कि म्यूजियम जो है लोगों के लिए नहीं खुलता है संडे में, या तो ये कहना चाह रहा है या फिर ये कहना चाह रहा है कि संडे में नहीं खुलेगा, इस तरह भी आप समझ सकते हैं। तो गए यहाँ पे सेंटेंस में अगर हम चलें तो सेंटेंस में आपका सेकंड पार्ट में फिलहाल मिस्टेक, गाइस सेकंड पार्ट आपका पूरी तरह से एरर है, सेंटेंस में यहां पर ओपनड की जगह ओनली ओपन होना चाहिए था, तब आपका सेंटेंस ये रहता करेक्ट। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे सेंटेंस नंबर 397 पर, कह रहा है कि लॉन्ग कार जर्नीज आर इवन लेस प्लीजेंट फॉर इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू रीड इवन। चलिए सेंटेंस बहुत अच्छा है, लेकिन यहां पर एक बड़ी प्यारी मिस्टेक उसने कर दी, उसने क्या कर दिया मिस्टेक, रीड इवन की जगह आपको इवन रीड करना होगा, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एक माइनर सी मिस्टेक दे करके आपको आगे बढ़ा दिया है। यस गाइस, तो यहाँ पे इवन लेस प्रेजेंट को देखते हुए इवन रीड करें ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेंटेंस का थर्ड पार्ट फिलहाल इसका एरर है। आई डिक्लाइन द इन्विटेशन नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो बट बिकॉज आई हैव नो टाइम, तो मैंने इन्विटेशन को जो है डिक्लाइन कर दिया है। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस को पढ़िए आराम से, कह रहे कि आई डिक्लाइन द इन्विटेशन, अभी तक तो ठीक है, नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो, नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो बट बिकॉज आई हैव नो टाइम, बल्कि मेरे पास टाइम नहीं था। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में सिंपल सा फॉर्मेशन आपको नज़र आ रहा होगा, वो सिंपल सा फॉर्मेशन क्या है, मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा, और सेंटेंस अगर पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में चलेगा। और यहाँ यही गड़बड़ी हुई है, सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आई है डिक्लाइंड, फिर डिड नॉट आया है, लेकिन आगे यहाँ पे हैव का इस्तेमाल करके सेंटेंस को प्रेजेंट बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये कोशिश मैं कामयाब नहीं होने दूंगा, आप भी मत होने देना, यहाँ पर आपका हैड होगा और सेंटेंस करेक्ट होगा, सेंटेंस का थर्ड पार्ट है फिलहाल एरर। काइंडली कन्फर्म बाय लेटर एंड टेलीफोन दैट यू विल बी एबल टू अटेंड द इंटरव्यू, काइंडली कन्फर्म बाय लेटर एंड टेलीफोन दैट यू विल बी एबल टू अटेंड द इंटरव्यू।
तो कह रहा है कि कंफर्म कर दीजिएगा लेटर के द्वारा या टेलीफोन के द्वारा कि तुम इंटरव्यू देने आओगे। तो गाइस यहाँ पर एक डाउटफुल कंडीशन आपके सामने आ रही है। क्या कंडीशन आ रही है आपके यहाँ पे? डाउटफुल कंडीशन। कंडीशन आपके जब डाउटफुल हो, जब कंडीशन हमारे सेंटेंस की हो क्या डाउटफुल या सस्पेक्टफुल, तो हम लोग ऐसे में इस्तेमाल करते हैं वेदर का। किसका इस्तेमाल करते हैं? वेदर का, नॉट दैट का। तो यहाँ सेंटेंस में भी आपका दैट की जगह वेदर का इस्तेमाल होना चाहिए था, तो सेंटेंस हमारा रहता करेक्ट, यानी कि 399 के सेकंड पार्ट में है फिलहाल आपके एरर। चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 400 से 405 तक। यहाँ पर चलते हैं आगे, तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे सेंटेंसेस हैं ये SSC 10+2 यानी कि CHSL एग्ज़ाम में आए हुए हैं 2012 के ही। चलिए सेंटेंस को देखते हैं क्या कह रहा है कि आई कम टू स्कूल एट द सेम यूजुअल टाइम, जो कि रॉन्ग है। आई केम टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था एट द सेम यूजुअल टाइम, जी नहीं, एट द यूजुअल टाइम, एट द यूजुअल टाइम या फिर एट द सेम टाइम, या तो आप करें इसको एट द सेम टाइम, यही खत्म हो जाएगा, या फिर एट द यूजुअल टाइम। सेम और यूजुअल एक साथ यूज नहीं होंगे। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में फिलहाल आपके एरर है। द कंपनी इज यूजिंग इन्फ्लुएंस टू परसुएड पीपल टू बाय इट्स रेफ्रिजरेटर्स। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में इस्तेमाल किया उसने द कंपनी, कंपनी के लिए उसने सिंगुलर वर्ब लगाया, इसका मतलब कंपनी एक ही है। ये सेंटेंस ठीक है। इज यूजिंग इन्फ्लुएंस टू परसुएड पीपल टू बाय इट्स रेफ्रिजरेटर्स, तो यहाँ पे कंपनी के लिए इट्स है, ये भी ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है ही, यानी कि सेंटेंस आपका है ये नो एरर। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं सेंटेंस में आगे की तरफ। सेंटेंस नंबर 402 पर कह रहा है कि द टेक्नीशियन, ये हिंदी से लिया हुआ वर्ड है हमारी, बाद में अंग्रेजी में आया, इसलिए मैं इसको टेक्नीशियन ही पढ़ रहा हूँ, नो टेक्नीशियन मैंने पढ़ा। द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव अ थ्रोली क्लीनिंग ऑफ द मशीन आफ्टर ईच यूज। तो गाइस यहाँ पे द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव अ थ्रोली क्लीनिंग ऑफ द मशीन। अब यहाँ पे थ्रोली की जगह आपको थ्रो करना होगा, तो सेंटेंस होगा करेक्ट, क्योंकि आपका थ्रोली है एक एडजेक्टिव, थ्रोली सॉरी है आपका एक एडवर्ब, और थ्रो है आपका एक एडजेक्टिव, क्योंकि आगे खड़ा हुआ है आपका एक नाउन। क्या खड़ा हुआ है आपका? एक नाउन, इसलिए मुझे यहाँ पे थ्रो आपको एडजेक्टिव बनाना होगा, क्योंकि क्लीनिंग आपका एक नाउन है। क्लीनिंग क्या आपका? एक नाउन, और नाउन से पहले हमेशा हमारा आया करता है एडजेक्टिव। क्या आया करता है? एडजेक्टिव। तो थ्रोली को थ्रो कीजिएगा, ओनली सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड पार्ट में फिलहाल इसकी हो जाएगी एरर। चलिए पहुँचते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर, 403 पर। You should have used the money for paying your debt instead of buy a motorcycle. तो कह रहा है कि अपनी मनी का जो है इस्तेमाल कीजिएगा अपने खर्च ख़त्म करने में, ना कि बाइक खरीदने में। तो यू शुड हैव यूज द मनी फॉर पेइंग योर डेब्ट्स इंस्टीड ऑफ बाइंग अ मोटरसाइकिल। इस गाइज तो यहाँ पे बराबर की बात हो जाएगी, फॉर पेइंग बाइंग, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो जाएगी फिलहाल आपके एरर। माई कज़न इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी। मेरे कज़न ने इन्वाइट किया है मुझे अपने बर्थडे पार्टी में। यहाँ पर कज़न के साथ में आपको मिस्टेक दे सकता था, कज़न ब्रदर या सिस्टर लगा करके, यस गाइस, जो कि नहीं दिया उसने। दूसरी बात, इन्वाइट के साथ हमेशा टू आया करता है, वो यहाँ मिस्टेक दे सकता था लेकिन नहीं दिया उसने। सेंटेंस में और कुछ खास बात है ही नहीं, सेंटेंस आपका फोर्थ है, यानी कि नो एरर है इस सेंटेंस में फिलहाल। सेंटेंस नंबर 405 में क्या कह रहा है उसके सुनिए भाई। कह रहा है कि वी शुड अबाइड, बच्चों यहाँ पे होगी ये मिस्टेक, क्योंकि अबाइड के साथ हमेशा हमारा चलता है फिक्स प्रीपोजिशन बाय। अबाइड बाय क्या है हमारा? अबाइड बाय, यानी कि सेंटेंस में सेकेंड पार्ट में हो गई है फिलहाल आपके एरर। अबाइड टू नहीं, अबाइड बाय सेंटेंस का सेकेंड पार्ट है फिलहाल आपका एरर। चलिए फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, सेंटेंस नंबर हमारा 406। ये भी आपका SSC 10+2 यानी कि CHSL एग्ज़ाम में ही आया हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले ही CHSL के एग्ज़ाम्स भी हुए आपके कंडक्ट, और नई वैकेंसी भी CHSL की आई हुई है, जिसकी डेट भरी पता है आपको, फॉर्म भर दीजिएगा सब जने, अपनी वैकेंसी हाथ से ना जाने दें। कह रहा है कि एवरीवन आर एक्सपेक्टेड, जो कि रॉन्ग है। ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, इन सब के साथ हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल क्या करते हैं, तो यहाँ पे आर नहीं, आपका इज होना चाहिए था। एवरीवन इज एक्सपेक्टेड, एवरीवन इज एक्सपेक्टेड आपका होना चाहिए था, तो सेंटेंस आपका करेक्ट होता, यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में है फिलहाल आपके एरर।
माय फादर हैज रिटर्न्ड बैक, जो कि रॉन्ग है बच्चों, जितने भी हमारे री वाले वर्ड हैं, रिफिल, रिचार्ज, रिवर्स, रिवाइंड, रिटर्न और भी बहुत सारे वर्ड जो हमारे होंगे, इनके साथ में कभी भी हम लोग बैक और अगेन नाम का वर्ड नहीं लगाएंगे, क्योंकि री का अपना ही मीनिंग यही होता है, बैक और अगेन। तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी ग्रामर में सुपरफ्लोज, यानी कि आवश्यकता से अधिक, जिसमें दो सेम फैमिली के वर्ड एक साथ लगा करके आपका बेवकूफ़ बनाया जाता है, लेकिन आपको बनना नहीं है, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ इंग्लिश अड्डा। चलिए फिलहाल सेंटेंस के सेकंड पार्ट में है मिस्टेक, आपको यहाँ से बैक हटाना होगा और सेंटेंस हमारा हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं 408 सेंटेंस पर। कह रहा है कि नालिनी सेज शी इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1991। ये हुआ आपका पूरी तरह से रॉन्ग। सेंटेंस में उसने आपको दिया है सिंस या फोर प्लस टाइम। जब भी सेंटेंस में आपको दिया गया हो सिंस या फोर प्लस टाइम, सिंस या फोर प्लस टाइम, तब आप सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर सिर्फ और सिर्फ लगाने वाले हैं हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन में से कोई भी एक, प्लस वर्ब की फर्स्टों में आईएनजी। क्या लगाएंगे? आईएनजी। तो यहाँ पे शी इज़ लिविंग की जगह बस आपको करना होगा शी हैज़ बीन, बाकी सब कुछ यहाँ पर पहले से ही मौजूद है। इस गाइस, तो सेंटेंस का अगर मैं बात करूँ तो आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी कि सेकंड पार्ट में है मिस्टेक। वी गेट एक्सेलेंट फर्नीचर। देखिए ये हुई आपकी माइनर मिस्टेक, मुझे लगता है मोदी सरकार पर बैन लगाने वाली है मिस्टेक्स पर। हाँ, मजाक कर रहा हूँ बच्चों, लेकिन इतनी माइनर मिस्टेक एग्जाम में ना आए तो ही अच्छा है, इसमें सभी का फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है और वैसे भी, क्योंकि इसे तो कोई भी कर देगा। सबको पता है कि फर्नीचर आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें कभी भी ऐसे एस इसके पहले ए या एन नहीं लगा सकते, तो ये सबको पता है बच्चों, इनके साथ में ऐसे एस भी नहीं लगा सकते, ये कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है। तो यहाँ सेंटेंस में फ़िलहाल आपका फर्नीचर वाला पार्ट सेकेंड पार्ट आपका रॉन्ग है। तो गाइस वीडियो होने लग रहा है अब यहाँ पर आपका लेंथ ही, और मुझे लग रहा है कि आपको खूब मज़ा आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे पढ़ाता चलूँ कंटिन्यू इसको, क्योंकि मैं चाह रहा था आज संडे है, थोड़ा सा एक वीडियो को थोड़ा सा लंबा करके बनाया जाए, जिससे कि आपको भी एक वीडियो में काफ़ी कुछ मिले देखने को, और हम लोग भी निफराम होकर बैठे हैं एक बार में ही आपके लिए कोर्स तैयार कर रहे हैं जैसे कि। तो गाइज पढ़ते रहिएगा, और जिन्होंने अभी तक भी मेरे कहने के बावजूद भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, क्योंकि टारगेट आज थोड़ा ज़्यादा है हमारा, हमने ज़्यादा उम्मीद लगाई आज आपसे, 100 प्लस लाइक का हमने टारगेट रखा है, जरा कर दीजिए फटाफट से मेरे टारगेट पूरा, जिससे कि मैं और तेज़ी से वीडियो बनाने शुरू करूँ आपके लिए। सेंटेंस नंबर 410 कह रहा है कि वी शुड अरेंज फॉर अ पोर्टर एज द लगेजेज आर हैवी। अब यहाँ पे फिर से मिस्टेक दी थी कोशिश में। अब मिस्टेक भी एक छोटी मोटी मिस्टेक नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक है। एक तो यहाँ पे लगेज LUGGAGE, बच्चों मैं आपको एक ही बार में सारी बात कंप्लीट कर दूँ, जितने भी वर्ड ऐसे हैं जिनके आखिर में AGE यानी कि एज आता है, लगेज, बैगेज, होमेज, डैमेज, रैकेज, यस जितने भी हमारे वर्ड हैं इस तरह के, जिनके भी आखिरी में आपको दिखा है एज, क्या देखिए आपको एज, उनमें आप कभी भी ऐसे एस नहीं लगा सकते, ये बात ध्यान रखें, और उनसे पहले कभी भी आप ए या एन भी नहीं लगा सकते, ये भी बात ध्यान रखें, उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, ये भी बात ध्यान रखें, जब रखी रहे तो सब कुछ याद रख लो भाई, ये आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, लगेज, बैगेज, होमेज, रैकेज, डैमेज, जितने भी आपके हैं ये सब आपके अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। तो यहाँ पर लगेजेज तो नहीं होगा कम से कम, पहली बात तो यही है, और दूसरी बात यह कि यहाँ पे आर भी नहीं होगा, सेंटेंस का थर्ड पार्ट है अब फिलहाल आपका यहाँ पे एरर। यह आ गया अच्छा सेंटेंस, लेकिन ये भी अब रट चुका है बच्चों को, खूब अच्छे से बच्चों को रट चुका है। बीइंग वेरी डार्क द विजिटर फाउंड इट डिफिकल्ट टू लोकेट द स्विच। अंधेरा होने की वजह से विजिटर्स को नहीं मिल पाया कि स्विच कहाँ पर है। तो गाइस यहाँ पे बीइंग वेरी डार्क उसने इस्तेमाल किया है। यहाँ पर सेंटेंस में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि अगर दोनों काम को, दो सेंटेंस जब दिए हों और दोनों काम को करने वाले अलग अलग सब्जेक्ट हों, यानी कि अलग अलग व्यक्ति हों, तो दोनों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट का प्रबंध कीजिए। यहाँ पर डार्क यानी कि अंधेरे का काम आपने नहीं किया, ये प्रकृति ने किया है, आपने ये काम किया है विजिटर्स ने। तो यहाँ पे 411 में इस वाले सेंटेंस से पहले आपको एक सब्जेक्ट लगाना होगा इट बीइंग वेरी डार्क, तो अब सेंटेंस हमारा होगा करेक्ट, यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में फिलहाल आपके एरर है। चलिए बच्चों यहाँ पे सेंटेंस नंबर 412 से 417 तक में क्या कह रहा है उसको सुनिएगा, और फिर देखते हैं। ये भी आपका SSC 10 प्लस 2 लेवल डाटा एंट्री एग्जाम में आवा है, यानी कि ये भी CHSL का ही आपका एक एग्जाम पेपर है। कह रहा है कि वी शैल गो आउट इफ इट डज नॉट रेन्स। तो गाइज यहाँ हुई है एक बहुत ही प्यारी मिस्टेक जो कि आपको नजर आ रही होगी, वी शैल गो आउट ठीक है, लेकिन इफ डज नॉट रेन्स ये आपका रॉन्ग गया है।
डू डज डिड के साथ हमेशा इस्तेमाल करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, किसका इस्तेमाल करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ पर रेन्स नहीं, आपका ओनली रेन होना चाहिए था, तब आपका सेंटेंस करेक्ट होता है, यानी कि सेंटेंस के फिलहाल थर्ड पार्ट में है आपके मिस्टेक। किस पार्ट में मिस्टेक है बच्चों? थर्ड पार्ट आपका फिलहाल यहाँ पे एरर है, इसमें आपकी रहेगी मिस्टेक। चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। सेंटेंस नंबर 413 कह रहा है कि इट इज़ हाई टाइम, ये एक बड़ा सेंटेंस आपका आया, लेकिन ये स्ट्रक्चर हो चुका है अब लोगों की नज़रों में पुराना। देखिए जब भी सेंटेंस में आपका आ जाए इट इज़ टाइम, क्या आ जाए आपका इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, तो इस वाले सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ में। यहाँ पर लीव की जगह आपको लगाना होगा लेफ्ट, क्या लगाना होगा लेफ्ट, तब जाकर सेंटेंस होगा आपका करेक्ट। तो यहाँ पर सेंटेंस में आपको सेकंड पार्ट में दे दी गई है मिस्टेक, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम के साथ में हम लोग सेंटेंस को बनाया करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, बिल्कुल प्योरली पास्ट इंडेफिनिट। कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि वुड लगा दिया तो भी पास्ट इंडेफिनिट है, कुड लगा दिया शुड लगा दिया, मतलब बच्चों यहाँ पे वुड शुड कुड लगाने से सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट ही बनेगा, ये आपका वही रहेगा जो आप सोच रहे हैं फ्यूचर में ही रहेगा सेंटेंस। तो यहाँ पर ऐसी गलती ना करें आप लोग एग्जाम में, ये बड़ी 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 मिस्टेक्स हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस में फिलहाल सेकंड पार्ट में है मिस्टेक। माय एल्डर ब्रदर आस्क मी दैट वाज आई वाज डूइंग, तो गए यहाँ पे दैट वर्ड आई वाज डूइंग, यहाँ पर सेंटेंस में हुई एक बहुत ही प्यारी मिस्टेक, क्योंकि सेंटेंस में आ गई हैं दो कंजक्शन एक साथ, दैट भी और वट भी। डब्ल्यू फैमिली डायरेक्ट इंडायरेक्ट के अंदर आपकी एज ए कंजक्शन काम करती है, और मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट में पांच कंजक्शन हैं, पहली है आपकी दैट, दूसरी है आपकी इफ, तीसरी है वहाँ पर आपकी वेदर, और फोर्थ है आपकी वहाँ पर दैट, वो डर डब्ल्यू फैमिली, क्या आपकी डब्ल्यू एच फैमिली, ये चार कंजक्शन है। डब्ल्यू एच फैमिली से मतलब वट वाई वैन वेयर हु whom, whose, which, how, how much, how many, ये सभी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इनमें से कोई भी दो, इनमें से कोई भी दो कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, बात ध्यान रखें, कोई भी दो जो भी आपको दिख रहा होगा कोई भी दो इनमें से एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पर यही तो ही गड़बड़ी, दैट और वट इकट्ठा लगा दिया, आपको तो एग्जाम में सिर्फ मिस्टेक निकाल कर आनी है बच्चों, ठीक भी नहीं करना है, इससे बड़ी क्या बात होगी, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में फिलहाल आपके एरर है। द स्पीकर लेफ्ट द सीन बिफोर लॉन्ग, तो गाइस यहाँ पे द स्पीकर लेफ्ट द सीन बिफोर लॉन्ग की जगह अच्छा होगा कि आप लगाएं यहाँ पे लॉन्ग अगो, यानी कि बहुत पहले, तो सेंटेंस के यहाँ पे भी हो गई है आपकी थर्ड पार्ट में मिस्टेक। 416 देखिएगा, कह रहा है कि द प्रेसिडेंट ओवरटेक्स इन बांग्लादेश, तो बच्चों यहाँ पे ओवरटेक्स नहीं, अच्छा होगा टेक्स ओवर लिखें, क्योंकि ओवरटेक होता है किसी कंपनी को अधिकार अपने अधिकार में ले लेना, जो कि यहाँ पे नहीं आएगा सेंटेंस में, आपकी सेकंड पार्ट में है फिलहाल मिस्टेक। सेकंड पार्ट इसका पूरी तरह से रॉन्ग है, ओवरटेक्स की जगह टेक्स ओवर करना होगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, कह रहे कि द हिंदू इज द मोस्ट पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया, तो गैस यहाँ पे सेंटेंस में द हिंदू इज मोस्ट पॉपुलर देन, तो गैस यहाँ पे मिस्टेक तो है, या तो मोस्ट से पहले दा लगाओ, क्योंकि मोस्ट आपका एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है, लेकिन आगे मुझे देन दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है मुझे आगे देन, फिर मुझे देन हटाना होगा। अब यहाँ पे एक तरीका और भी है कि मैं इस मोस्ट को मोर बना दूँ, क्या बना दूँ मोस्ट को मोर, क्योंकि खाली देन हटाने से भी तो काम नहीं चलेगा, आगे एनी अदर भी है, क्या है आपका एनी अदर, इन चार वर्ड को याद रखें आप अच्छे खासे खूब, एक तो वर्ड है आपका एनी अदर, क्या है एनी अदर, बच्चों बोल रहा हूँ लिखा भले सही नहीं गया, दूसरा वर्ड है हमारा ऑल अदर, क्या हमारा ऑल अदर, तीसरा वर्ड है हमारा मोस्ट अदर, ये तो तीन वर्ड हो गए अलग से, एनी अदर ऑल अदर मोस्ट अदर, ये हमेशा इस्तेमाल होते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, और चौथा वर्ड है हमारा नो अदर, क्या है हमारा नो अदर, ये आपका इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में, यानी कि जितने भी हमारे वर्ड हैं अदर वाले, एनी अदर ऑल अदर मोस्ट अदर नो अदर, ये सुपरलेटिव में कभी इस्तेमाल नहीं होंगे, और सेंटेंस को वो सुपरलेटिव ही बनाना चाह रहा था और हमारा बेवकूफ बनाना चाह रहा था, जो कि आपका रॉन्ग है इस गैस। तो फिलहाल यहाँ पे सेंटेंस में मोर करेंगे, ठीक हो जाएगा आपका सेंटेंस। ये जो मैंने आपको बात बताई ये आपके एडजेक्टिव नाम के चैप्टर में आप लोग पढ़ सकते हैं, हमने भी इसका कोर्स पढ़ाया आपको ग्रामर का, तो मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में ही, जिसको भी लेना हो ग्रामर कोर्स ले सकता है। चलिए फिलहाल चलते हैं आपके नेक्स्ट पोर्शन पर, 418 से 423 तक, जो कि आपका 10 प्लस 2 लेवल का ही है, ये भी आपका CHSL एग्ज़ाम में ही आया हुआ सेंटेंस है,
देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में। वीडियो को मैं चाह रहा हूँ कि आज दिल खुश कर दूँ बच्चों आपका जितना हो सके मुझसे। चलिए देखते हैं सेंटेंस नंबर आपका अगला 418। आई एम हैविंग 3 children, ये हुआ आपका रॉन्ग। गाइस यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हैविंग का इस्तेमाल सेंटेंस के बीच में कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब होता है हो रहा है। ऐसे में हैविंग जो है आपका एज ए मेन वर्ब ही आ रहा है, ये ध्यान रखें आप लोग। यस गाइस, तो यहाँ पे आई एम हैविंग अगर आप बीच में लगा रहे हैं तो सेंटेंस में एज ए मेन वर्ब है, ये कोई अलग से नहीं है आपके लिए बच्चों। बस वो एक अलग बात है कि हमने बताया आपको कि हैविंग को लगाने के दो तरीके हैं, लेकिन है ये मेन वर्ब भी। जैसे कि आप कह सकते हैं आई एम हैविंग अ हेडेक, मुझे सिर दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग अ बैकएक। लेकिन यहाँ पे आई एम हैविंग 3 children, मेरे 3 बच्चे हो रहे हैं। जी नहीं बच्चों, मेरे 3 बच्चे हैं। यहाँ पे आई एम हैविंग की जगह आप सीधी सीधी बात में एक इस्तेमाल करें आई हैव, क्या इस्तेमाल कर लें आई हैव 3 children, बस बात खत्म, यानी कि सेंटेंस का सेकंड पार्ट हो जाएगा रोम। चलिए, ऑल मैंगोज इन द बास्केट आर ओवर राइप, जितने भी मैंगो थे बास्केट में सब ओवर राइप थे। तो ऑल द मैंगोज नॉट ऑल मैंगोज, तो यहाँ पे सेंटेंस के पहले पार्ट में हो गई है मिस्टेक। Why they didn't turn up to the workshop? सेंटेंस के आखिरी में है क्वेश्चन मार्क्स। सेंटेंस की शुरुआत अगर हुई हो WH फैमिली से और आखिरी में हो आपका क्वेश्चन मार्क्स, तो आपको WH फैमिली के तुरंत बाद लगानी होगी हेल्पिंग वर्ब। क्या लगानी होगी आपको? हेल्पिंग वर्ब भी। यहाँ सेंटेंस में WH फैमिली के तुरंत बाद didn't शुरू में ही होना चाहिए था, तो सेंटेंस रहता करेक्ट Why didn't they turn up to the workshop? क्वेश्चन मार्क्स, क्योंकि आप आखिरी में आए हुए सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क्स को नहीं हटा सकते। तो गाइस सेंटेंस का सेकंड पार्ट फिलहाल यहाँ पे आपका रॉन्ग है। 421 देखिएगा, वी आर लीविंग फॉर केरला टुडे, तो हम लोग आज केरला के लिए निकल रहे हैं। देखिए यहाँ पे लीविंग का मतलब निकलने से, छुटने से, जाने से है, जो कि बिल्कुल ठीक है। सेंटेंस में हो जाएगा इसका आंसर 4th, नो एरर, करेक्ट। अगला सेंटेंस 422, वी हैव टू रिटर्न बैक, ये टूचा सेंटेंस है। रिटर्न और बैक एक साथ आपके नहीं आ सकते। सो गाइज, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि जितने भी हमारे री वाले वर्ड हैं, रिटर्न, रिवर्स, रिवाइंड, रिमो, जितने भी वर्ड हमारे री वाले हैं, उनके साथ में कभी भी बैक या अगेन नाम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो गाइज देखिए, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने है, आपने देख लिया आज। मैंने आपको आज 381 सेंटेंस शुरू करे थे कराने, और अब तक मैं आपका 420 पर पहुंचा हूं। लगभग हमने 40 सेंटेंस किए हैं, और कितने सेंटेंस रिपीट हो गए आपने गौर भी कर लिया होगा इस बात पे। गाइज आपने गौर किया होगा कि कितने सेंटेंस हमारे रिपीट होने शुरू हो गए हैं, तो ज़रा सोचिए कि एग्ज़ाम में क्या होंगे हालात। मुझे लगता है कि अगर आप इस तरह से मेरे साथ प्रैक्टिस कर ले तो हो ही नहीं सकता कि एग्ज़ाम में आपका करावा सेंटेंस ना आए बच्चों। ये बहुत अनुभव के साथ बोल रहा हूँ, मैंने खुद इस बात को रियलाइज़ किया है, अनुभव किया है। जब भी मैं बच्चों को प्रैक्टिस कराता हूँ तो मेरे सामने शायद ही कभी कोई सेंटेंस नया आया हो जिसको मैंने बच्चों को ना कराया हो। तो हर सेंटेंस मेरे कराए हुए ही हैं पहले से ही। यहाँ पे बच्चों बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं जो बच्चों को करा चुका हूँ। देखिए आपके सामने आपको दिख रहा होगा एक तो 422 सेंटेंस, और उसी के बाद आप देखिएगा 407 सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंस में देखिएगा रिटर्न बैक आपको साफ साफ दिख रहा है, नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपके सामने 40 सेंटेंस में ही सेंटेंस रिपीट हो गया, तो आगे की तो मैं क्या बात करूँ। यहाँ 422 सेंटेंस में बैक आपका नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी री वाले वर्ड हैं उनके साथ में बैक आपका नहीं आएगा। चलिए सेंटेंस नंबर 423 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि हरी लॉस्ट 100 rupees नोट। तो गाइस यहाँ पे जब बात हो रुपीज़ की, किसकी बात हो? रुपीज़ की, और रुपीज़ के बाद आपका नोट लगा हो, क्या लगा हो? नोट लगा हो। तो एक बात तो ये कि आप रुपी में एस या ईएस नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब वो एक हो चुका है, यूनिट हो चुका है। दूसरी बात, यहाँ पर एक और बड़ी प्यारी बात रहेगी, यहाँ सेंटेंस में 100 rupees नोट जो उसने किया है, बस आपको यहाँ पर रुपीज़ में से एस या ईएस हटाना होगा, क्योंकि अगर रुपी के बाद में नोट ना हो तब तो आप रुपीज़ लगा सकते हैं, लेकिन अगर रुपी के बाद नोट है तो ओनली आपको रुपी ही लगाना होगा, तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो फिलहाल सेंटेंस में हो जाएगी आपके मिस्टेक सेकंड पार्ट में। यस गाइस, चलिए देखते हैं आगे सेंटेंस को। सो गाइस यहाँ पे जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो भी आपका SSC CHSL 10+2 लेवल पे ही आया हुआ है, यानी कि ये भी आपका CHSL एग्जाम के ही आए हुए क्वेश्चन पेपर हैं। कह रहे हैं कि द आर्टिस्ट एंड राइटर हैज़ डाइड। देखिए यहाँ पे सेंटेंस के अंदर अगर आप गौर करें तो सेंटेंस में दो नाउन हमारे एंड से जुड़े हैं, दो नाउन हमारे एंड से जुड़े हैं, और दोनों में से सिर्फ पहले वाले से पहले आर्टिकल लगाया गया है। ये एक रूल है, जब भी दो नाउन जुड़े हों एंड से और दोनों में से पहले वाले से पहले कोई आर्टिकल लगाया गया हो और जेंडर उनका क्लियर ना हो रहा हो, क्योंकि यहाँ जेंडर तो क्लियर हो नहीं रहा है, आर्टिस्ट और राइटर को देख करके आप नहीं बता सकते वो मेल है या फीमेल,
तो यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। सेंटेंस में आपको इन्हें एक ही मानते हुए चलना पड़ेगा, हो सकता है कि दोनों एक ही व्यक्ति हों, तो सिंगुलर वर्ब आपके यहाँ पर ठीक है, यानी कि सेंटेंस आपका पूरी तरह से करेक्ट ही है, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा नो एरर। अगला 425, स्कार्सली हैड इट स्टॉप्ड रनिंग व्हेन आई स्टार्टेड टू माय कॉलेज। तो गाइस यहाँ पे कह रहा है कि स्कार्सली, देखिए सेंटेंस में जब भी शुरुआत होगी आपकी स्कार्सली से, किससे, स्कार्सली से या फिर हार्डली से, स्कार्सली या फिर हार्डली से, तो तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का आना अनिवार्य है, जो कि उसने दिया भी। हैड आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ये भी आपका ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में वैन है, ये भी ठीक है। स्टार्टेड है, ये भी ठीक है। यहाँ तक तो आपको मुझे नहीं नज़र आ रहा कोई गलती है। स्कार्सली हैड इट स्टॉप ट्रेनिंग व्हेन आई स्टार्टेड टू माय कॉलेज, व्हेन आई स्टार्टेड टू माय कॉलेज। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस के थर्ड पार्ट में व्हेन आई स्टार्टेड फॉर माय कॉलेज आपका होना चाहिए, नॉट टू। तो यहाँ पे सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो जाएगी फिलहाल मिस्टेक। अब गाइस देखिए, अभी तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था, अभी फिर आपके सामने आ चुका है एक वर्ड, आई विल रिटर्न बैक, यानी कि पिछले 45 सेंटेंस के अंदर ये तीसरी बार ऐसा हुआ है जब सेंटेंस आपका रिपीट हुआ है। अब आप समझ जाइए बच्चों कितना कुछ आपके साथ में होने वाला है। अगर आप एक अच्छी तैयारी के साथ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे सिलेक्शन भी ले सकते हैं। आई विल रिटर्न बैक यहाँ पर कहना होगा गलत, यहाँ पर रिटर्न के साथ में बैक आपका नहीं आएगा, सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में फिर से है मिस्टेक। क्या है मिस्टेक, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कह रहा है कि आइदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट आर रिक्वायर्ड, सेंटेंस कनेक्ट हुआ है आपका आइदर और से, किससे कनेक्ट हुआ है, आइदर और से। जब सेंटेंस हमारा जुड़ा हो आइदर और से, नैदर नोट से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो वर्ब हमेशा नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है, जो कि आपका असिस्टेंट, असिस्टेंट के हिसाब से यहाँ पे आर आपका नहीं आना चाहिए था, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में है फिलहाल मिस्टेक। यस गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आई हैव सीन हिम यस्टरडे, सेंटेंस के आखिरी में है यस्टरडे। जब भी सेंटेंस के आखिरी में हो आपका यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस, अगो, तो सेंटेंस हमारा बनता है बिल्कुल सिंपल पास्ट यानी के सेकंड फॉर्म में। किसको बनता है, सिंपल पास्ट यानी के सेकंड फॉर्म में। आई हैव सीन हिम की जगह अच्छा होगा कि आप बनाए सिर्फ आई सो हिम, आई सो हिम बस, यानी कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में फिलहाल आपके मिस्टेक। चलिए सेंटेंस नंबर देखते हैं आपका 429, फिर से वही मिस्टेक, बींग अर एनी डे, बींग अर एनी डे नहीं, इट बींग अर एनी डे, क्या होना चाहिए यहाँ पे, इट बींग अ रेनी डे, सेंटेंस की शुरुआत में ही होनी चाहिए थी मिस्टेक। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले सेंटेंस करवा चुका हूँ। देखें यहाँ पे नेक्स्ट है आपका 430 से 435 तक, जो कि आपका फिर से है SSC CHSL एग्जाम में आया हुआ सेकेंड शिफ्ट में। क्या कह रहा है उसको सुनिएगा, कह रहा है कि द टीचर टोल्ड टू, बच्चों टोल्ड के साथ कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यहाँ पर ये आपका रोंग है। टोल्ड के साथ हम लोग कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिकॉज सैड टू को हटा करके, यानी कि इस टू को हटा करके ही तो टोल्ड, आस्क वगैरह वर्ड लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने टोल्ड का टू लगाए रखा, सेंटेंस के पहले ही पार्ट में है मिस्टेक। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि मॉडर्न यूथ पे मोर अटेंशन टू सीइंग फिल्म्स देन टू रीड बुक्स। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में कह रहा है कि मॉडर्न यूथ पे मोर अटेंशन टू सीइंग फिल्म्स देन टू रीडिंग, आपका यहाँ पर होना चाहिए था, क्योंकि पीछे यहाँ पे देन के पीछे आपका टू सीइंग है, देन के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहना चाहिए था, इसलिए मुझे यहाँ पे थर्ड पार्ट में टू रीडिंग करना होगा। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, बच्चों हार्ड नॉट हार्डली, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, जबकि हार्ड मतलब कठिनाई से। तो गए यहाँ पे आपका सेंटेंस हो जाएगा थर्ड पार्ट में मिस्टेक, हार्डली की जगह लगाना होगा ओनली हार्ड। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस फॉर आवर्स, तो गए यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि सिंस आपका हमेशा आया करता है पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, पॉइंट ऑफ टाइम से मतलब बच्चों निश्चित समय से पहले, किससे पहले, निश्चित समय से पहले, जैसे कि सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, ऐसे कुछ भी, सिंस 2000, सिंस 2001, ऐसे कुछ भी, सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, कुछ भी, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, ऐसे कुछ भी। तो यहाँ पर आपको लगाना होगा फोर, क्या लगाना होगा आपको यहाँ पे, फोर। चलिए देखते हैं 434 सेंटेंस क्या कह रहा है। इफ़ ही हैड वॉक्ड फास्ट इनफ ही विल गेट द बस, ये आपका हो गया है कंडीशनल सेंटेंस। इफ
प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, नेक्स्ट पार्ट में आपका आ जाएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि यहाँ पर नहीं आया है। यहाँ सेंटेंस में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, यानी कि थर्ड पार्ट में वुड हैव गोट होना चाहिए था, तो सेंटेंस हमारा रहता करेक्ट। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल है आपका यहाँ पर थर्ड पार्ट में मिस्टेक। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है कि स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स 435। देखिए गाइस, जब भी आपके दो नाउन, जब कभी भी दो नाउन हमारे कनेक्टेड हो प्रपोजिशन से, किससे? प्रपोजिशन से। ध्यान दीजिएगा इस बात पर जो मैं आपको बोल रहा हूँ अब। जब भी दो नाउन कनेक्टेड हो हमारे प्रपोजिशन से, तो पहली बात तो ये कि दोनों नाउन हमारा होने चाहिए सेम, जो कुछ ने रखा स्पीकर आफ्टर स्पीकर। और दूसरी बात ये कि दोनों नाउन होने चाहिए सिंगुलर, क्या होने चाहिए हमारे? सिंगुलर। तो स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स नहीं, स्पीकर आफ्टर स्पीकर होना चाहिए था। सेंटेंस का पहला ही पार्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे रोंग। तो गाइज ये थे आपके आज के सेंटेंसेस, लेकिन अभी मैं क्लास को यही कर रहा हूँ स्टॉप, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत काफ़ी कुछ हो चुका है आज की क्लास के लिए पढ़ने के लिए। फिलहाल आपसे लेनी होगी विदा। यस, मिलते हैं आपसे कल किरण बुक के नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।